What's up guys, welcome back to another reaction video. जैसा कि मैंने कहा था कि जो मीटअप हुआ था एल्विश का दिल्ली में, उसका मुझे लग रहा है कि क्योंकि DSLR ये सब कैमरे देखे थे तो एक प्रॉपर अलग से वीडियो शूट हुई होगी. तो आज हम देखेंगे दिल्ली बिग बॉस मीटअप, एल्विश यादव जो जिसपे स्केच वीडियोज आती है उस चैनल से वीडियो है. पूरा मीटअप होने वाला है, फुल वीडियो होने वाली है, जो कुछ भी जितना परफॉर्मेंस लोगों का हो पाया था वहां पर, जितने यूट्यूबर्स का. तो देखते हैं, ऑलरेडी हमने ग्लिम्स देखे हैं मीटअप के, क्या गजब भीड़ थी भाई. तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट में जय श्री राम एंड सिस्टम ओपी हो जाए. और भाई साहब वोट, मेरे को लगता है कल आखिरी दिन है सिर्फ वोटिंग का. भाई दबा के वोट मारो, जितने हो सके वोट कर दो. 1, 2, 3, 99 वोट कर सकते हैं अकाउंट से. हाँ. है ना, 1, 2, 3 गो. हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर मेन चैनल वीडियो. तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मीटअप के बारे में होने वाली वीडियो, मीटअप की वीडियो होने वाली बेसिकली. इस वीडियो में जो हुआ, जितने भाई आए उनको दिल से शुक्रिया पहले वीडियो देखने से पहले. और एक चीज मेरे को बोलनी है गाइज, कि वीडियो तो देख लेना पर जियो सिनेमा पे जाके अपने भाई को, एल्विश भाई को वोट कर लो. वोट यूं समझ लो कि एक ही दिन बच रहा है, एक दिन भी ना बचा यूं समझ लो यही वीडियो तो का टाइम है. तो फटाफट जाके ना जियो सिनेमा पे जाओ और वोट करके आओ. आप पता है मुझे क्या सोचोगे कि हमारे वोट से क्या होगा, हमारे वोट से क्या नहीं होगा, पर भाई एक एक वोट मतलब एक एक वोट मैटर करता है. ठीक है, तो वोट करो, इस वीडियो को लाइक करो और स्टार्ट करते हैं फिर मीटअप पे. डुम्मा ठा दिया भाई तुमने, डुम्मा एल्विश आर्मी तो ऊपर कोई ना. 3, 2, 1 बहुत तगड़ी भीड़ आई थी भैया, बहुत तगड़ी. और ये जो शॉट्स लिए हैं कितने बढ़िया है. फाजिलपुरिया कितनी भीड़ है भाई, लाख लोग होंगे. आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा बेटा. अंकल आपको इस बारे में बताओ, जहाँ जा रहे हैं? हाँ, जहाँ जा रहे हैं के लिए. देखते हैं आज जाके. एक्साइटेड हो रहे हैं दोनों. क्या इंतजाम किया आप लोगों ने? मतलब अपनी लोकेशन पे, अब यहाँ से सीधा जाएंगे. अभी तो पहले एंट्री ले रहे हैं कमरे में. कहाँ है भाई, ये वाला है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अंकल आंटी थोड़े हो गए कि चलो फोटो खींच रही है. आ जाओ आ जाओ. बिल्कुल नहीं पता. एक हजार एक घर से यहां तो कर रखा है, लेकिन वहां पर भी होगा जिस दिन आएंगे. क्या बात. हाँ जीता था ना. Exposed to paradox. Para. Hehe.
ये ठीक है। हाँ डिस करा वो शुरू कर देता हूँ। हाँ ले कलेश करा रहे हैं। ये चीज तो है। ह्यूमर तो कुट कुट के भरा है उसमें। वो रहा भी वैसे ही है ना, जैसे चाहे वो ब्लॉग में है हर एक चीज। हाँ साइंटिफिक जो पुनीत हाँ सुपरस्टार के बाद जो गिर गई थी रेटिंग भी, हाँ वो भी उठ हाँ पता ही नहीं किसी को नहीं भी। पता नहीं इतना आइडिया। हाँ ये होटल के बाहर है ना। लिए अभी ले भाई सारे भाई है, सब आए सपोर्ट करने के लिए, सबको दिल से भाई थैंक यू। ऐसे भाई सपोर्ट बनाए रखना, जब आप ये व्लॉग मतलब वीडियो देख रहे हो तब वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई खींच के वोट करना, एलिस भाई को जिता के लाना, ट्रॉफी सिर्फ रह रही है। ये इंटरव्यू उस टाइम पे शो स्टेज चल रहा है, स्टेज शो। अच्छा एक बार होके आए थे फिर सब तोड़ तोड़ दिया, फिर टूट गया था।
ये था ना तब तब तक मैनेज था, लेकिन फिर वो आगे जाके स्टेज टूट गया। देखना भाई साहब ये जो टेक्स लिए हो ना, प्लीज मेरी बात सुन लो यार, बैठ जाओ यार, मैं भी तो बैठा हूँ, नीचे आकर बैठूँ बताओ, बैठूँ अच्छा लगेगा, प्लीज बैठ जाओ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गाइस और कोई भी नहीं आएगा, बहुत भाई आने वाले अभी, सबसे मिलवाऊंगा, मेरा वादा है, मेरा वादा है, सबसे मिलवाऊंगा और अच्छे सिस्टम का मिलवाऊंगा। पीछे में भी इसलिए पहुंच रहा होगा ना कि आवाज तो इतने आपस वाले लोग इतना शोर कर रहे होंगे और दूर से दिख नहीं सकता ना कि हाथ से क्या कह रहे हैं उनको। बिग बॉस के घर में चलने वाली है, नीचे बैठ जाओ पहले, पीछे वाले बंदे जितने भी देख रहे हैं भाई सुनो, एक क्लिप बनाऊंगा, सिस्टम दिखा देना इसमें, ठीक है ना, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, ये चलेगी बिग बॉस में गाइस, तो रेडियो भाई को दिखाने के लिए भाई सिस्टम हैंगर रखा है, क्राउड ने मस्ती बांध रखी है, ये अपना शहर दिल्ली और दिल्ली की जनता सबसे बेस्ट है। उस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ना सामने से, कहां तक भीड़ थी, कहां तक देखना, ड्रोन है ना, ड्रोन शॉट लिया, यही पहुंच पाए थे मुझे लग रहा है, उसके बाद से पहुंच पाया था, कोई पास आ गए ना एक स्टेज के सारे, देख रहे मे बी उस स्टेज पे हिलाया होगा, उस वजह से गिर गया होगा, गिर गया, हां ये देखना बिल्कुल आ गए सारे, बाहर पहले दूर बैठे हुए थे सारे। ये देख इस वजह से बोला था ना बैरिकेड तोड़ दिए थे सारे, फिर 150 बाउंसर थे कुछ ऐसे था, फिर 250 ऐसे 250 करने पड़े, मुझे मत कम नहीं है भाई, मुझे का खिलाना है एलवी शर्मा से ऊपर, एलवी शर्मा से ऊपर कुछ ना, भाई मीटअप आप लोगों ने बहुत अच्छा करा दिया, मतलब हम लोग स्टेज तक नहीं जा पाए, हम स्पेशली अंकल आंटी को लेके आए थे, अंकल आंटी का पहला मीटअप था जहाँ पे अंकल आंटी खुद आते स्टेज पे, आप लोगों से बात करते, बहुत सारी आंटी लाइंस भी प्रिपेयर करके आई थी, पर भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो अब अंकल आंटी का एक मैसेज आप लोगों के लिए, आप लोगों को थैंक यू करने के लिए। आंटी तो इतनी सारी स्क्रिप्ट लिख के लाए, इतना आपने सोचा था कि हम लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे, इतने सारे भाइयर आए, तो आपको कैसा लगा इतना प्यार देख के? देखो बेटा, दुख तो है ही है, पर खुशी भी इस चीज़ की है कि जितना प्यार बच्चों ने आज दिया है, देखा मैंने चारों तरफ इतना क्राउड था, हद से ज़्यादा। इलेक्शन में नहीं होते भैया इतने क्राउड। मैं ये सोच रही हूँ कि इतना प्यार, मतलब कि इतना प्यार का सैलाब कहाँ से उमड़ पड़ा है, मतलब ये इतना। थैंक यू जो जो यहाँ पे आए, और उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे भी अपना प्यार ऐसे बरकरार बनाए रखना, और आगे जैसे वोटिंग डीएसएलआर पे भी लग रहा होगा ना। नहीं, वो पहले आप सभी का यूथ वर्क का शुक्रिया, और मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि अभी मेरे को पता लगा है कि आपका चहेता एल्विस यादव नॉमिनेट जीत चुका है, वो टॉप फाइव में पहुंच चुका है। जो आप लोगों के प्यार की वजह से जो हमने आज देख भी लिया, जो मीटअप के लिए आए थे हम सहपरिवार, हमारे रिलेटिव्स, और हमने देखा कि आपने इतना अपार समूह में समर्थन दिया आज कि बैरिकेटेड भी टूट गए हमारे सारे। और आपके प्यार के कारण ही हम यहाँ आए थे दिखाने के लिए। हमने भी सोचा था कुछ कि थोड़ा बहुत हम भी बोलेंगे, लेकिन चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। इस अपार समर्थन का आगे भी बनाए रखें, ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि वो टॉप फाइव में हो गया है, और कल या परसों से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीटअप तो और होते रहेंगे, बाद में फिर मिल लेंगे कभी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही अब टाइम आ गया है कि जो इतिहास लिखने की बारी आई आप लोगों की, आर पार कर लेंगे। अभी तक लिखवाया वो, आप इतिहास लिख के रहोगे, ये मेरा मानना है, और आप लोगों के प्यार को देख के मानना है कि इसी तरह समर्थन बनाए रखे इतना। एल्विस आर्मी जिंदाबाद। तो गाइज, अब सीन ऐसा हो गया था कि सब कुछ चीज़ें एकदम से सही चल रही थी, पर बीच में एक ट्विस्ट आता है मीटअप के। हमारा प्रशासन वहाँ पे पहुँच गया था, सही अरेंजमेंट सही थे, पूरी सिक्योरिटी अच्छी थी, सब कुछ सही था, पर जिस टाइप के हमने मैनेजमेंट कर रखी थी, 50-60 हज़ार लोग सोच के, उससे ज़्यादा आप लोग आ गए। आप लोगों की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि सब कुछ भीड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर एकदम जितने भी अपने आर्टिस्ट जितने सारे भाई आ रखे थे, उनकी सिक्योरिटी थी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी थी कि आप लोगों के कुछ ना हो जाए भीड़ भड़क के, मैं समझ रहे। तो उस चक्कर में पहले मैं गया स्टेज पर, आप लोगों का उत्साह देख के, आप लोगों की एनर्जी देख के, तो हमने सिस्टम एंकर रखा था यार, ठीक है। मेरे स्टेज पर जाते तो हम चिल्लाने लगे वू, तो मुझे ही मजा आएगा। फिर बैरिकेड जो इधर उधर हो गए थे, कोई नहीं। फिर जितने भाई स्टेज तक पहुँच पाए, रियलिट वाले, मैं, विनय भाई थे, और अपने फैजिलपुरी भैया थे, तो उनके साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा, बिल्कुल देखा होगा। बाकी भाई लोग आ ही नहीं पाए स्टेज तक, क्योंकि आप लोगों का सिस्टम ही ऐसा है भाई, मैंने देख लिया तो चक्का जाम कर दिया भाई, तो हमने चक्का जाम कर दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन से ना हमेशा ऊपर का, आप लोग हमेशा मीटअप कर रहा है, समझ रहे हो, मजा कर सिस्टम है भाई, ठीक है गाइस। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देनी है ये वीडियो, ठीक है, और इसको फैला दो, और वोट करो, वोट करो ये चीज तो बनती है इस टाइम का। मैं देता हूँ, ये फोन है मेरा, फोन खोलना है, और जियो सिनेमा आता है, इसमें जियो सिनेमा खोलना है, जियो सिनेमा पे जाके देखो, मेरा वोटिंग टैब भी खोल रखा है, पर ये और यहाँ पे जब मैं दिखाया था, वोटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। वोटिंग का क्राइटेरिया, एल्विस भाई को टैप करके वोट नाउ का क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो फटाफट जाके वोट कर दो, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एल्विस को इंस्टा फॉलो कर ले, और जीता के लाते हैं, फिर धूम उठाते हैं, अच्छा मीटअप करते हैं, मेरा वादा है, लव यू। अब ये सोचो कि जब एल्विस के आने के बाद वो कह रहे थे ना कि स्टेडियम करना पड़ जाएगा भैया, तगड़ा माहौल था, इलेक्शन में भी नहीं होता भैया ऐसा माहौल तो किसी के। और लोगों का एक सबसे बड़ी बात होती है, एक एनर्जी, एक वाइब जो क्रिएट होती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, लोगों को हम देखते हैं मीटअप में जाते हैं, या किसी कॉन्सर्ट में भी जाते हैं, या कोई शो देखने भी, तो एक वो लेवल का एनर्जी नहीं होती जो यहाँ पर देखने को मिली। और भाई नेक्स्ट लेवल था, और वो मुझे लग रहा है जो बैरिकेड बनाए होंगे ना, वो जो काले फट्टे, टू बी फ्रैंक कहूँ, वो भी गिर के फिर लोग स्टेज के बिल्कुल ही पास आ गए होंगे, स्टेज पे ऐसे जोश में हिलाते हैं, तो मे बी उस वजह से टूट गया हो। लेकिन भैया लोगों का प्यार गजब, मतलब मेरे को ये लग रहा है अगर वो ही क्लिप दिखे है, जब देख, मतलब उसे कितना लगा कि भाई मैं नहीं था, वो याद है वो बिग बॉस के अंदर एल्विस कह रहा था कि मेरी टीम कुछ कर भी रही है, हाँ, कुछ कर भी रही है। अरे मैं भी एक छोटी सी क्लिप देख रही थी, टीम ने दो उठा के, टीम ने मनीषा फुकरा और एल्विस, तो मनीषा ऐसी बोल रही यार तुम लोग सच सच बताओ, तुम दोनों मतलब बाहर अगर तुम अच्छा बड़े आदमी हो, मतलब वो इतना बेचारी जानती नहीं है, क्यूट है वैसे वो बंदी, ये तो तुम बता दो यार, देखो मुझे इतना पता नहीं है। तो हंसने कह रही, मैं तो सोची कि चलो ठीक है, जैसे हम भी मतलब सब यूट्यूबर होते हैं, तो फुकरा ने बोला अभी क्लिप है कि
तो ना अच्छा तो बस एक बार इसका मीटअप देख लियो तू। फिर वो भी हंसने लगा, कह रहा तू हमें क्या सोची। कह रही मैं सोची चलो मतलब जैसे ठीक है, मतलब कह रही पहले बता दो तुम कोई बाहर कोई बड़े फेमस बड़े आदमी हो क्या। और अब मुझे वो चीज याद आई फुकरा की एक लाइन थी, कह रहा तू इसके ना बस मीटअप देख लियो जरा। और जैसे वो कह रहा था कटारिया कह रहा था कि ये जो क्लिप है फिनाले में प्ले भी कर जाएगी मेमोरीज में, तो भाई बहुत अच्छा लगेगा अगर इस मीटअप की क्लिप अगर चला देना वहां पर बवाल। तो मुझे लगता है अनाउंस करने से पहले ही क्या पता ऐसे कहते हैं कि तुम ले जाओ ट्रॉफी। नहीं एक छोटा सा वो दिखाता है कि पिछले कॉन्सर्ट में दिखाया था कि लोग बाहर लोग कितना वो है जैसे इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें भी वो चीज हो सकती है। भाई ये मीटअप सच में गजब था, एल्विश नहीं था तब भी, और वो वाली बात है भाईचारे वाली बात की लोग आए अपना प्यार लेके आए भाईचारे में आए। बोलूंगी कि अभी देख किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बंदा आज के टाइम में अपना काम छोड़ के ऐसे लाइन में लगे और इतना वो इतना प्यार भाई इतना प्यार उसके लिए है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ ही घंटे रह गए होंगे वोटिंग के लिए। हाँ। तो भाई दबा के वोट करना जितना हो सके, बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं आपको मीटअप। और आप में से जो जो देख रहा है वो उनमें से कौन इस मीटअप में गया हुआ था जरूर बताना। वीडियो कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।